और चलिए एक बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, अल्पेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूबर अल्पेश यादव अरेस्ट हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, रेव पार्टियों में सांपों के जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है अल्पेश यादव को लेकर। तो बिग बॉस सीजन की वजह से फेमस हुए अल्पेश यादव, यूट्यूबर है और अब गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी अल्पेश यादव को लेकर जिस तरह के आरोप लगे थे, बेहद गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन रेव पार्टी मामले को लेकर अब गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है अल्पेश यादव से जुड़ी हुई। तो मिलियंस लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पर अल्पेश यादव को, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं, एक बड़ी संख्या में लोग अल्पेश यादव को पसंद करते हैं। लेकिन जो गंभीर मामला दर्ज किया गया रेव पार्टी से जुड़ा हुआ, उसे लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस पर। ऋषभ मणि, और क्या जानकारी इस बारे में अभी तक मिल पा रही है? कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी कहां से हुई, कैसे हुई? देखिए, जो बताया जा रहा है, नोएडा में सेक्टर 113 की पुलिस ने अल्पेश यादव को गिरफ्तार किया है। कुछ शर्फाबाद करके इलाका है, वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला 3-4 महीने पहले का है, जब एक स्टिंग ऑपरेशन एक संस्था ने किया था, उस दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। ये बात सामने आई थी कि वो रेव पार्टियों में सांप सप्लाई करता है, उनका जहर सप्लाई करता है, वो ड्रग सप्लाई करता है। और कुछ कन्वर्सेशंस ऐसे मिले थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसमें अल्पेश यादव का नाम भी सामने आया था। अल्पेश यादव से एक बार पहले भी पूछताछ हुई थी, और अब ये बात बताई जा रही है कि नोएडा की सेक्टर 113 पुलिस ने अल्पेश यादव, मशहूर यूट्यूबर हैं जो, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनको कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारी चल रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नोएडा पुलिस अल्पेश यादव को कस्टडी रिमांड में भी ले सकती है, कस्टडी रिमांड के दौरान भी अल्पेश यादव से पूछताछ हो सकती है। और ये जो पूरा एक नेटवर्क है, जो चाहे वो गुड़गांव हो, हरियाणा, नई दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर के इलाके हैं, जो बड़े बड़े वहाँ पर फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पर जो रेव पार्टियाँ आयोजित होती हैं, उन पार्टियों में कुछ लोगों के ऊपर ये शंका जाहिर की जा रही है कि वो वहाँ पर नशा सप्लाई करते हैं, सांपों का जहर भी सप्लाई करते हैं और अन्य किस्म के वो ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं। इसी मामले में, इसी मुतल्लिक अल्पेश यादव को गिरफ्तार किया गया है और अल्पेश यादव से लगातार पूछताछ जारी है। सोर्सेस ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करके जो आज स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उनके सामने पेश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पुलिस को उसकी कस्टडी रिमांड मिले। हालांकि देखना यही होगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है, उनको पुलिस की कस्टडी रिमांड में भेजती है या जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजती है। तो लेकिन ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से पहले से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही थी, कई बातें कही जा रही थी, कई लोगों को और भी इसके साथ मिला हुआ बताया जा रहा था, ऐसे में क्या अल्पेश यादव के अलावा कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? जी अनुपम, देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए कुछ और लोग हो सकते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी तमाम जो बातें हैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी, क्योंकि बीते दिनों पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, इस दौरान जो साक्ष्य संकलित किए हैं, जो सबूत जुटाए हैं, उसके आधार पर ही अल्पेश यादव की गिरफ्तारी